विस्तार रूप से अपनी बात रख के मार्गदर्शन दे और आरसी वचन दे। पूजनीय प्रतापपुरी जी महाराज, भारत माता की वंदे, वंदे गौ माता की, सनातन धर्म की, अपने अपने मात पिता गुरुदेव की। मुझे वो दिन याद है, पोखरण के अंदर 18/3/18 का, जिस प्रकार एक ज्योत जली थी उस दिन, राष्ट्रभक्ति की ज्योत प्रत्येक यहां के क्षेत्रवासी के हृदय के अंदर, वो दृश्य आज आपने जीवित कर लिया, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। वो ज्वाला धीरे 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 बड़ा रूप लेती गई है और एक हृदय से दूसरे हृदय तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती पहुंचती आज वो महाज्वाला के रूप में दिखने आ रही है और उसका स्वरूप नाचना की इस धरती में आपने साक्षात दर्शन कराए। मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय से साधुवाद और शुभकामना देता हूं। ये ज्वाला आप में भी है, मेरे में भी है, सब में है, पर कहीं ना कहीं कोई दबी हुई ज्वाला थी, उस ज्वाला को जगाने का हमारे स्वयंसेवक बंधुओं ने प्रत्येक व्यक्ति के विचारों को जगा करके एक ऐसा स्वरूप दे दिया कि आज इस कोने से, भारत के इस पश्चिमी कोने से जगी हुई ज्वाला संपूर्ण देश और विदेश को एक संकेत दे रही है कि हिंदू जाग चुका है, हिंदुस्तानी जाग चुका है। वो हिंदुस्तान को विश्व गुरु के जो सपने देखने वाले एक तरफ है और दूसरे हिंदुस्तान को तोड़ने वाले सपने देखने वाले हैं, पर अब विश्वास हो गया है कि हिंदुस्तान को तोड़ने वालों के सपने साकार कभी नहीं होंगे और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने वालों के सपने साकार हो जाएंगे। आपने देखा है कश्मीर से नीचे तक अशांति आनी बंद हो गई है, क्योंकि वह हमारे सैनिक जो उधर से आया हुआ उग्रवाद वहीं ढेर करके खत्म कर देता है। ठीक ऐसे ही पश्चिमी सीमा पर ये जैसलमेर जिला इधर से एक भी उग्रवादी को पैर रखने नहीं देता है और खबरदार उनको भी करते हैं हम लोग जिनके कहीं थोड़ा सा मन ऐसा हो रहा है भीतरी घात और घर में रह करके भी कुछ कुठारा भात करने का है, तो वो अशांति यहाँ कोई भी फैलाने नहीं देगा। जो अशांति फैलाएगा उसी के घर में अशांति फैला देगी। या प्रत्येक नागरिक जग चुका है या देश के नागरिकों के अंदर एक उबाल आया है और असली नकली चेहरे की पहचान करने लग गए हैं कि कौन असली और कौन नकली है। आज इस परिप्रेक्ष्य के अंदर संपूर्ण विश्व के लोग, संपूर्ण मीडिया इन 200 सीटों में से सबसे ज्यादा किसी पर नजर रखे हुए है तो वो पोखरण की सीट पर है, क्योंकि यह सत्य और असत्य, उग्रवाद और शांति, शांति और अशांति, समृद्धि और गरीबी के बीच का जो तालमेल था उसको देख रहे हैं कि पोखरण के अंदर किसकी जीत होगी, सत्य की होगी या असत्य की होगी, शांति की होगी या अशांति की होगी, गरीबी की होगी या समृद्धता संपन्नता की होगी, कौन विश्व गुरु बनाने में भारत की महती भूमिका अदा करेगा। उन व्यक्तियों के लिए यहाँ पलक पावड़े बिछाई हुए आप लोग बैठे हो। ये सैलाब देख करके आदरणीय ठाकुर साहब बड़े गदगद हो रहे थे कि बाप जी मैंने पहली बार देखा इतना जोश और जज्बा इन लोगों के अंदर, तो ठाकुर साहब भी गदगद हो रहे हैं। और आपके अंदर जो ज्वाला जगी वो आज की ज्वाला जगी भी नहीं है, ज्वाला तो आपके अंदर थी पर दबी हुई ज्वाला थी, उस दबी हुई ज्वाला को जगाने के लिए कोई ना कोई होता है। अब ये ज्वाला जग चुकी है, राष्ट्रभक्ति की ज्वाला, राष्ट्रभक्ति की जो भावनात्मक ज्वाला प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जग चुकी है, इसलिए 3600 कौम के लोग, सभी प्रकार के लोग इस जाचम पर बैठे हुए हैं जो राष्ट्रहित की चिंतन करते हैं। ये देखिए आप सबका जो जन सैलाब है उनको देख करके मेरे मन में ऐसा आता है ये गांव राम है, इस गांव के अंदर राम बसा हुआ है। सबके सब, सभी कौमों के लोग इस जाचम पर बैठ करके अपना निर्णय करते हैं,
सबके सब लोग, कुछ हमारे मुसलमान या ये भक्त बैठे हैं अनुयायी, ये तो इस क्षेत्र के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता है पार्टी के, उनके नाम तो सबके धीरे धीरे याद होंगे, परंतु चेहरों के चित्र में धीरे धीरे इनके फीड कर रहा हूँ। मैं इनको भी कहना चाहता हूँ कि शांति देने पर शांति मिलती है और अशांति देने पर अशांति मिलती है। आपने एक कदम शांति का बढ़ाया है, हम 10 कदम आपकी तरफ शांति के बढ़ाएंगे। और आपने अशांति के लिए कोई कदम किसी ने बढ़ाया है तो आप हमारा साथ दीजिए, उसको वहां रहने नहीं देंगे हम लोग। इस क्षेत्र के अंदर शांति किसी भी प्रकार से नहीं चाह भंग हो, अशांति का कोई यहाँ पैर नहीं पड़ जाए। इस निमित्त ये हमारा सौभाग्य है कि माँ भारती की सेवा का मुझे भी अवसर मिला और आपको भी मिला। मैं कभी कभी कहता हूँ कि हम बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। क्यों परम सौभाग्यशाली हैं? क्योंकि माँ भारत में जन्म लेना ही परम सौभाग्य है। भारत माता जैसा देश मिलता है, ऐसा समाज मिलता है, ऐसी संस्कृति मिलता है, ऐसी सभ्यता मिलना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। इसलिए कोई डरने की घबराने की बात नहीं है, हम सब एक ही बीज से वट वृक्ष बनने वाले हैं। कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऐसा दूषित वातावरण बना करके फैलाता है तो आप जाइए अपने इतिहास में, कहां से आए हो, किस रूप में आए हो, कौन थे। जब आपके राव पीढ़ियां पढ़ने लगेंगे तो सबके सब आप जाकर के ऋषियों की गोद में समायोजित हो जाएंगे। ये मुसलमान भाई जो अपने साथ में बैठे हैं, इनके भी राव है, मैंने पता किया, और ये भी कोई ज्यादा पुराने नहीं है, थोड़े ढीले पड़ गए थे इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन आया है, परंतु हम तो कहते हैं पुनः घर वापसी कर लो, सबको फायदा होगा। आप हमारी तो बीज है, आप हमारी तो शाखाएं थी, परंतु अब तो साथ साथ चलने में फायदा है, विरोधाभास करने से, अशांति फैलाने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। आपको बरगला जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपके अंदर विचार ऐसे डाल करके आपस में टकराया जा रहा है। संत का धर्म होता है मिलाना, इसलिए संत बन करके आया हूँ, नेता बन करके नहीं आया हूँ। आपको मिलाना है, आपके अंदर जो भेदभाव डाल करके आपको फूट डाली जा रही है, हम सबको तीतर बीतर किया जा रहा है और अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं, अपने काम सिद्ध किए जा रहे हैं। अब उनके दिन नहीं रहे हैं, अब संतों के दिन आ गए, अब त्यागियों के दिन आ गए हैं, अब भोगियों के नहीं दिन रहे हैं। जिन्होंने देश के साथ में सब कुछ लिया ही लिया है, अब उनकी जरूरत नहीं, अब देश को देने वालों की जरूरत है। आइए आप जैसे ऐसे समर्पित कार्यकर्ता जिसके दिल में ज्वाला जगी हुई है, जिसके अंदर दिन को स्वप्न देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को स्वप्न देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन को स्वप्न देखते हैं। रात के स्वप्न कभी साकार नहीं कर सकते, परंतु दिन को जो स्वप्न देखता है उसको हम साकार करके दिखाते हैं। मैंने भी एक स्वप्न देखा है दिन में, आप भी दिन में स्वप्न देखते हो और मोदी जी भी दिन में स्वप्न देखते हैं। हम सबका स्वप्न एक ही है, इस भारत को पुनः विश्व गुरु बना के रहेंगे। जब तक चैन नहीं लेंगे, जब तक हिंदुस्तान के अंदर सुख नहीं आ जाए, शांति नहीं आ जाए और समृद्धि नहीं आ जाए और हिंदुस्तान पुनः विश्व गुरु नहीं बन जाए, तब तक हम शांति से बैठेंगे नहीं। जिसको माँ भारती से प्यार है, आइए आगे बढ़े हम मिलकर के, और जो टेढ़ी आंख इस माँ भारती को देखेंगे वो आप समझ लो उसका दुष्परिणाम क्या होता है। इसलिए इस समय 3600 को सभी बैठे हुए भक्त यहाँ लोग सबके हृदय के अंदर एक ही जज्बा, जोश और स्वप्न है कि हमें किसी भी प्रकार से व्यमत से नहीं रखना है, हमें रख पत राख पत एक दूसरे की इज्जत को दे करके इज्जत लेना है। किसी की इज्जत को हम लांग करके अपनी इज्जत को नहीं रख सकते हैं। बहुत हो चुका है, अब तो शांति में ही फायदा है। अशांति इधर फैलाओगे तो आपके हृदय में अशांति पहले फैलेगी, अशांति यहाँ भारत में फैलाने की कोशिश करोगे तो आपके देश में भी अशांति सबसे पहले फैलेगी। तो अशांति तो आपके भी नहीं रहे, हम तो ये दुआ करते हैं अशांति हमारी तरफ भी नहीं बढ़ाना। यदि इधर अशांति बढ़ाने की कोशिश की तो अब वो आंधी आने वाली नहीं, अब आंधी ये आ गई है। जगे हुए लोग आपने देखा 2018 में तीसरे महीने में वो ज्वाला जलती जलती अब परिणाम देने का समय आ गया है, अब निर्णायक भूमिका अदा करने का समय आ गया है। आप सबको विवेक के साथ में
किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत कोई राग द्वेष ना रखते हुए, किसी भी प्रकार की जो जाति का द्वेष ना रखते हुए, आप सबको राष्ट्र नीति के लिए 7 तारीख को अपने विवेक से मतदान करना है। हृदय कमल के अंदर बैठे हुए अपने इष्ट को याद करके कमल पर ही थप्पा लगाना है। आपका जो हृदय कमल में बैठा हुआ है आपका इष्ट, वो क्या कहता है? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 200 सीटों पर मात्र एक जगह आपको ऐसा अवसर दिया है जो आपका परीक्षण किया जा रहा है। पहले जब परीक्षण हुआ परमाणु का, तो भूमि टेस्ट की गई, यहाँ की जमीन को वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया कि ये जमीन परमाणु परीक्षण करने लायक है कि नहीं है। दूसरा परीक्षण पोखरण के अंदर हुआ कि इन लोगों के अंदर सुसुप्त अवस्था में बैठी हुई ज्वाला जग सकती है नहीं जग सकती है, तो वो टेस्ट हुआ। और तीसरा टेस्ट अब आपको करना है 7 तारीख को, जिस विश्वास के साथ में आपके सामने किसी एक भगवाधारी को भेजा है, ये भी आपके लिए एक परीक्षण है कि सच्चाई और झूठ में से आप किसको चयन करेंगे, किस प्रकार से आप राष्ट्र भक्ति के प्रति ओतप्रोत अपने विचारों को रखते हुए किसका चयन करेंगे। देखिए 200 सीटों में से आपको ही ये स्वीकार, आपको योग्य समझा, आपके हाथ में एक ध्वजा दी है, आपके हाथ में मर्यादा दी है, आपके हाथ में संस्कृति और सभ्यता का एक चुनाव दिया है, एक निशान दिया है कि यहाँ बैठे हुए समस्त विचारवान व्यक्ति निश्चय ही कमल के फूल को देकर के देश के कमल को खिलाएंगे, अपने चेहरे को खिलाएंगे। और ये चैलेंज आप स्वीकार करना, क्योंकि आप पर विश्वास करके मुझे भेजा है, आपने बुलाया है, और ऊपर से संतों ने, भक्तों ने, राष्ट्रप्रेमी लोगों ने, देश को उच्च शिखर पर ले जाने वाले व्यक्तियों ने चिंतन करके आपको मुझे सौंपा है, आप पर विश्वास करके सौंपा है कि ये पोखरण के लोग सदा परीक्षण में पास होते हैं, पोखरण के लोग परीक्षण में फेल नहीं होंगे, इसलिए तीसरे परीक्षण में भी आपको सफल होना है। सबको साथ देना है, सबको मिल करके करना है, किसी प्रकार के किसी भी बहकावे में, जातिवाद के और किसी बहकावे में न आकर के एक ही धुन, एक ही नारा, एक ही अपना लक्ष्य, भारत देश हो हमारा सबसे ऊपर, देश हमारा, स्वाभिमान हमारा, इस भाव को लेकर के आपको चलना है। 11 तारीख जब आपके सामने आए, उससे पूर्व 7 तारीख जब आए, 7 तारीख के विवेक से काम लिया हुआ, मैं रात दिन आपके बीच में अनवरत श्रम कर रहा हूँ, माँ भारती की सेवा के लिए दौड़ रहा हूँ। मुझे चाहना एमएलए बनने की नहीं, मुझे नेता बनने की नहीं, मैं संत और संत ही रहूँगा। और संत का मतलब होता है समभाव सबको मिलने का, वो वही मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा। परंतु आपको इतना कहना चाहता हूँ कि 7 तारीख के समय तक हम भी नहीं सोएंगे, आपको भी नहीं सोना है। एक लक्ष्य लेके चलना है कि हमें अपने निशान, तीर का निशान सही जगह लगाना है, हमें कहीं विफल नहीं हो जाए। नहीं तो 11 तारीख को जो आज खिले हुए आपके चेहरे हैं, वे मैं ये देखने चाहता हूँ, मैं नहीं, दुनिया पूरी देखनी चाहती है, सभी संत महात्मा और देश प्रेमी लोग देखना चाहते हैं कि पोखरण के लोगों के चेहरे 11 तारीख को 100 गुने ज्यादा खिले हुए होने चाहिए। और पूरी पोखरण विधानसभा ही नहीं, आप देखना पूरे भारत के अंदर फटाके फूटेंगे पोखरण की विधानसभा के लिए। पूरे विश्व के अंदर जो देश प्रेमी लोग बैठे हैं वो सब के सब दीपावलियां मनाएंगे, तो केवल मात्र आपके बलबूते पर मनाएंगे कि पोखरण में एक तीसरा विस्फोट होगा जिससे हमारे चेहरे खिलेंगे और पूरे विश्व के अंदर हम पटाखे फोड़ने लायक बन जाए। वो शान रख लेना, वो इज्जत रख लेना, हेठकारो नी लाग जाए, इन बात रो ध्यान रखा, अपनी नाक ऊंची राखनी है। 11 तारीख को जब बाजार में आप निकलो तो आपकी छाती चौड़ी होनी चाहिए, नजरें ऊंची होनी चाहिए, नजरें झुकी हुई नहीं रहनी चाहिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जो इस पार्टी से जुड़े हुए समस्त कार्यकर्ता वो सब जीतेंगे, सब हारेंगे, इस पार्टी के छोटे से बड़ा पदाधिकारी, सभी घटकों के पदाधिकारी, सब प्रकार के कार्यकर्ताओं की जीत होगी, मेरी जीत नहीं होगी, संपूर्ण की जीत मान करके चलना है। इसलिए मैं गर्व करता हूं आप सब पर कि आपके हृदय के अंदर जो ज्वाला बैठी है, सबके हृदय में वो ज्वाला जग चुकी है और वो ज्वाला महाज्वाला बनेगी। इस माँ भारती की यज्ञ की आहुति में एक आहुति देकर के इस यज्ञ को हम भी सफल करेंगे, आपका भी धर्म बनता है।
जिसका हम अंचल खाते पीते जहाँ लौटते हैं। मैं संत के नाते कुछ लोगों ने प्रश्न किया, बाप जी आप राजनीति में कहीं लेनो देनो। मैंने कहा मुझे राजनीति में कुछ नहीं लेना देना, पर राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति बिना धर्म के नहीं होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए राजनीति। हाँ धर्म में नीति नहीं होनी, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। परंतु मैं तो अपने मठ में अपने कार्यकलापों में पूर्ण विश्वास रखते हुए काम करते हुए मैंने एक उदाहरण दिया उनसे। उन्होंने मुझे कहा कि बंदा वेरा की भजन करता था, वो भगवान का नाम लेने के लिए जंगलों में चले गए। ये हमारे मार साहब डूंगर सिंह जी बिराजे हैं जसाई। मैं तो वहां गुफाओं में माला फेर रहा था माँ हिंगलाज के वहां, परंतु ऊपर से संदेश आया और कहा कि बंदा बैरागी भी तो माँ भारती की सेवा के लिए आ गया था माला फेर छोड़ करके, तो आपको भी गुफा छोड़ करके माँ भारती की सेवा के लिए आना है। तो मैंने कहा राष्ट्र धर्म सर्वोपरि धर्म है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि धर्म है, माँ भारती की सेवा और इसकी साधना से बड़ी कोई साधना नहीं होगी। इसलिए दिन रात एक करके कुछ सब प्रकार के कष्ट सहन करके आपके बीच में खड़ा हूं, तो केवल मात्र एक ही चाहना है कि आप सुखी कैसे रहें, आप समृद्ध कैसे रहें और आप आनंद से शांति से रहें कैसे, इस भाव से आपके बीच में आया हूं। इसकी सेवा हम सबको करनी है। कुछ लोगों के अंदर शंका है, हमारे कृपाराम जी अमान्य प्रधान साहब कुछ कहते कहते रुक गए, उनके पास समय कम था। कुछ लोग अवधारणा बना के बैठे हैं, बाप जी बहुत बड़े मठ के मठाधीश है, वहां तो छुआछूत होता होगा। जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उस तपती हुई भट्टी में से निकला हूं जिसको संघ कहते हैं, संघ के अंदर से शिक्षित होकर के आपके बीच में पहुंचा हूं, और वहां किसी की जात होती नहीं, माँ भारती के सपूत कहलाए जाते हैं, और मेरे मठ में भी कोई जात पात नहीं है, केवल मात्र एक हिंदुत्व के नाते सबके लिए वहां द्वार खुले पड़े हैं। जो शुद्ध भाव से आता है उनके भोजन प्रसाद आप सभी लोग आए हुए एक ही पंगत में एक ही जगह बैठ के करते हैं। हमारा रसोईया भी मेघवाल समाज से मेघवंशी है और भील समाज के मेरे भगवादारी गुरु भाई है, जो हम साथ में एक ही थाली में बैठ भोजन किया करा। कौन कहता छुआछूत के वहां, कोई छुआछूत नहीं है, और आपके मेरे बीच में कोई दूरियां भी नहीं है। संत दिल से जुड़ता है, दिल में रहते हैं आप लोग संतों के, आप और मेरे बीच में बिचौलिए कोई जरूरत नहीं, आप निश्चिंत रहे। कोई बीच में ठाकर भाई और थे, चिंता करो कि बाप जी राडा ठाकर आ जा लगना, ठाकर मारे साथ रहेला, आप भी साथ रहेंगे। परंतु ये भ्रम निकाल देना कि ठाकर आपके बीच में कहीं बाधा बना जाएगी। ठाकर कंवर सिंह विक्रम सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने शंका करी है, कुछ लोगों ने शंका करी है कि बाप जी तो ठाकर और भेड़ा है जो ठाकर गणा रहे। ठाकर नहीं, मैं सबसे अंतिम कड़ी को सबसे पहले बुलाऊंगा, और ठाकर विक्रम सिंह जी को मैंने देखा है कल ओड समाज का, मेरे सामने ये खड़ा लड़का प्रेम, ये कल इनके साथ बैठ के एक थाली में भोजन किया। जोरदार तालियां और स्वागत करता हूँ विक्रम सिंह जी का भी। इन्होंने नहीं पूछी है, कल भील समाज के यहाँ हमने भोजन किया आपके नाचना के अंदर, कहाँ भेदभाव है। आज हम मेघवाल समाज के यहाँ हम सब लोग भोजन करके आए हैं, कहाँ भेदभाव। ये तो अफवाहें फैला करके हम सबको तोड़ा जा रहा है, हम सबको बांटा जा रहा है, तो ये सब अवधारणा बना करके हम सबको कमजोर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उन सबको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम लोग संगठित रहेंगे, इस समय आ गया हम सबका, हम अब नहीं चेते तो 20 साल बाद अपने क्षेत्र का क्या खाका बनेगा और देश का क्या खाका बन जाएगा, उसको थोड़ा ध्यान में रखना। यदि हम इस समय चेते नहीं, सावधान नहीं हुए, सही कदम नहीं उठाया, तो 20 साल बाद अपना चित्रण बनाना अपने नगर का, अपने आसपास का, अपने विधानसभा का, कि यहाँ का चित्र कैसा बन जाएगा, और 20 साल बाद देश का भी क्या चित्र बन जाएगा। और हम चेत गए तो जो दुस्वप्न देखने वाले लोग हैं उन दुस्साहसियों के दुस्वप्न साकार नहीं होंगे, और जो सुस्वप्न देश के लिए देखते हैं उनके स्वप्न साकार होंगे। हम सब लोग देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं और वे लोग देश के साथ क्या करना चाहते हैं। इतना ही आपसे आग्रह है कि जिस प्रकार से आपके अंदर जो ज्वाला जगी है, ये ज्वाला आप जगाए रखना। माँ भारती की शान आपके हाथ में है, माँ भारती की इज्जत आपके हाथ में है। पहले राष्ट्र धर्म को निभाते हुए अपने स्वविवेक से शत प्रतिशत मतदान करना। आप लोग मतदान एक भी मत रखना, क्योंकि ये दान माँ भारती की झोली में डालना, मेरी झोली में नहीं डालना है। ये राष्ट्र के निमित्त है हमारा मतदान,
कि देश की नीति निर्धारण कैसे हो, प्रदेश का नीति निर्धारण कैसे हो, हम तो सब माध्यम बनते हैं। इसलिए मतदान सभी करना, शत प्रतिशत मतदान करना। आप अपना बूथ जीते, आप इलेक्शन जीते हो। और मुझे विश्वास दिला दिया आज आप सब नाचना पट्टी वाला ने, क्योंकि आपके मुखिया यहाँ के सबसे प्रबुद्ध लोग कहे जाने वाले और मान्य हमारे ठाकुर साहब विक्रम सिंह जी ने आप सबको एक आह्वान के साथ अपील की है कि 21,000 से लीड दिलानी। मुझे विश्वास दिला दिया आपने कि निश्चय ही यहाँ आप जीते, पोखरण विधानसभा जीती, राजस्थान जीता और हिंदुस्तान में भी आपका नाम है। तो इसलिए श्री गणेश ऐसी करनी है कि आपके घर का एक भी वोट बाकी नहीं रहना चाहिए। सबके सब वोट दे करके प्रथम शुरुआती गणना की यही होती है, नाचना पट्टी से ही वोटों की गणना शुरू होती है और वहीं से श्री गणेश आप अच्छा कर देना, पूरे देश के अंदर आपकी वाहवाही हो जाएगी। आप शान रखोगे, इज्जत रखोगे, सम्मान रखोगे। आप और मेरे बीच में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जो जिस भाव से आएगा उसी भाव के उसके साथ मैं मिलूंगा। आप निर्भय होकर के आइए, निश्चय रहिए एक मर्यादा के अंदर और नॉर्म्स के हिसाब से। जो जो मैं आपके काम कर सकता हूँ सब करने में अपना पूर्ण शक्ति लगाऊंगा। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक आपके साथ में रहूंगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जो हमारे साथ खड़े हैं उनको हम सदा साथ देंगे और जो हमें सहयोग कर रहे हैं उनके लिए हम सदा सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर भावना राष्ट्रभक्ति की भावना सबसे पहले है और राष्ट्रभक्त लोगों का हम सदा आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। पुनः आप सबका और आदरणीय ठाकुर साहब का मैं हृदय से साधुवाद करता हूं कि आपके आह्वान और आपके नेतृत्व में यहाँ के समस्त बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु हैं उन सबको और हमारे राष्ट्रप्रेमी जितने भी संगठन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो लगे हैं उन सबको हृदय से साधुवाद देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी भक्त भाविक और हमारे प्रेमी आए हैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कि आपने ज्वाला जोर जगाई है। 11 तारीख की महाज्वाला पूरे विश्व में आपका एक जय जयकार हो जाए, ऐसे सपन को लेकर के मैं जा रहा हूँ, ऐसे ख्वाब को लेकर जा रहा हूँ कि नाचना से शुरू हुई, पाकिस्तान के बॉर्डर से शुरू हुई ज्वाला पूरे देश को जगमगा देगी, पूरे देश में दिवाली लाएगी। ऐसे भाव के साथ में पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। कल नोक में भी इसी प्रकार से बड़ी सभा है, आप सभी लोग नोक भी पहुंचे तो अति उत्तम रहेगा। आप सबका हृदय से आभार। बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो। स्थानीय जो भी मुद्दे हैं, चाहे भूमि आवंटन के हो, चाहे नहरीकरण के हो, चाहे और कोई सरलीकरण के हो, आप हमारे साथ रहें, हम आपके साथ हैं। सब प्रकार से अपन लोग उसका निस्तारण करने में तुरंत अपन सभी लोग मिलकर के निस्तारण करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। आप निर्भय रहिए, निश्चिंत रहिए, अब वो दिन नहीं रहे। ना पैसे चाहिए, ना पद चाहिए, ना लोभ चाहिए, ना रिश्वत चलेगी, ना भ्रष्टाचार चलेगा, ना भाई भतीजावाद चलेगा, ना जातिवाद चलेगा। बस अपना जो अंदर का भाव है, हम और आप में भी बैठा है, मेरे में बैठा वो एक ही भाव है, हम सब मिलकर के विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतापपुरी जी महाराज की, प्रतापपुरी जी महाराज की। अब मैं तुलस सिंह जी देवड़ा को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बुलाऊंगा। उससे पूर्व अचला राम जी, सरा भूला राम जी।